महादेव दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ एससी ने समीर वानखेड़े के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मियां नवाब मलिक, जो दलितों का अपमान पिछले 4 महीनों से एक अधिकारी के खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर झूठे आरोप लगाता आ रहा था, उसके खिलाफ 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरा सवाल, सचिन वर्य की वसूली हो, अनिल देशमुख का 100 करोड़ का कांड हो, या प्रदीप शर्मा जैसे मनसुख हिरेन जैसा कांड किया हो, ये मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को आखिर कौन चला रहा है? नेशनल आयोग के, एससी आयोग के निर्णय आने के बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कौन इसको रोक रहा है? क्या पुलिस महाराष्ट्र की इतनी मजबूर हो चुकी है कि देश के न्यायालय या कमीशन के भी आदेश नहीं मानती है? मेरा ऐसा मानना रहेगा, जिस हिसाब से मियां नवाब मलिक के ऊपर लगाम की जरूरत है, उन्होंने सिर्फ दलितों का अपमान महाराष्ट्र में नहीं, एक अधिकारी का भी अपमान और एक पूरे प्रोसेस, जो नारकोटिक्स ब्यूरो का पूरा एक जांच चल रही थी, ड्रग्स फ्री मुंबई, ड्रग्स फ्री नेशन में जो एक अधिकारी काम कर रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया, ऐसे नवाब मलिक, मियां बिगड़े नवाब मलिक के ऊपर 7 दिन के अंदर एफआईआर मुंबई पुलिस को दर्ज करनी चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। धन्यवाद।